हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट या जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मात्र स्थानिक और मातृवंशी है? ऑप्शन नंबर ए है कादर, ऑप्शन नंबर बी है टोडा, ऑप्शन नंबर सी है खासी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मिजो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खासी जनजाति में। खासी जनजाति मात्र स्थानिक और मातृवंशी है, यह असम में निवास करती है। इसके अतिरिक्त मालाबार के नायरों और असम की गारो जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार जो है पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, तारा वार्ड एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नातेदारी प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है आवास का नियम, ऑप्शन नंबर सी है विस्तारित परिवार, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक समुदाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्तारित परिवार। बढ़ते हैं आज के अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए है के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन नंबर बी है आई पी देसाई ने, ऑप्शन नंबर सी है पी एम कोलिंडा ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी आई कर्वे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी एम कोलिंडा ने। पी एम कोलिंडा ने सहनिवास और सहभोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं। कोलिंडा ने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। ऑप्शन नंबर ए है मातृवंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी है पितृवंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए और बी, लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय एक ही पूर्वज या पूर्वजा के वंशज समस्त त्रोतीय बंधु या सपिंड जो है कहलाते हैं। यदि यह समान पूर्वज पुरुष हों तब इन वंशजों को पितृबंधु या पितृरेखीय स्वजन जो है कहा जाता है, और यदि जो है समान पूर्वज कोई स्त्री हो तब इनको मातृबंध या मातृरेखीय स्वजन जो है कहते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दो नगरीय परिवार, ऑप्शन नंबर बी है एकल परिवार, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त परिवार और लास्ट ऑप्शन नंबर डी विस्तृत परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल परिवार। बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में प्रतिस्पर्धा प्रधान समाज की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। आज के प्रतिस्पर्धा समाज में पति पत्नी दोनों कमाते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है हर संभव प्रयत्न भी करते हैं, ताकि उसके बच्चे जो है आगे बढ़ के जो है अच्छा ओहदा मान प्रतिष्ठा और धन को जो है प्राप्त कर पाए। भौतिकवादी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा धन सृजन क्षमता पर ही जो है निर्भर करती है और पारिवारिक सदस्यों की अधिकता धन अर्जित करने में बाधा बनकर उभर सकती है, जिसके फलस्वरूप एकल परिवार ही लोगों को बेहतर विकल्प जो है साबित हो रहा है। पारिवारिक सदस्य जितने कम होंगे मनमुटाव की आशंकाएं भी उतनी ही कम देखने को मिलेगी। ऐसे हालातों में एकल परिवार सार्थक सिद्ध हो रहा है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डोवर, ऑप्शन नंबर बी है मेहर, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाहिका और लास्ट ऑप्शन नंबर डी दुल्हन की कीमत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाहिका। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निर्वाहिका कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आज हमारा अगला प्रश्न है, उपहास है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक मानदंड, ऑप्शन नंबर सी है लोकाचार, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी लोक रीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक स्वीकृति। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहन अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को सांस्वीकृत यानी कि सोशल सैंक्शन जो है कहते हैं। सकारात्मक स्वीकृति में बहुधा प्रशंसा करना या साधुवाद आदि देना आदि जो है सम्मिलित है। इसके विपरीत नकारात्मक स्वीकृति यानी कि नेगेटिव सोशल सेंक्शन में अस्वीकृति की मात्र झलक व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचा सकती है। नकारात्मक स्वीकृतियां औपचारिक यानी कि कानून और अनौपचारिक यानी कि शाब्दिक या उपहास दोनों प्रकार की जो है हो सकती हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन नंबर ए है यंग तथा विलमार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी है ओकले ने, ऑप्शन नंबर सी है वामेन एवं स्मार्ट ने, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यंग तथा विलमार्ट ने। यंग एवं विलमार्ट ने सिमेट्रिकल फैमिली की संकल्पना का प्रयोग किया। सिमेट्री का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसके सभी अंग या भाग समान होते हैं। यंग एवं विलमार्ट ने पति और पत्नी के युग्म से निर्मित एक ऐसा नाभिक परिवार जो संबंधियों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता और नहीं जो है सहायता की आशा करता है, या पूर्णतया आत्मनिर्भर एक स्वप्रशस्त परिवार जो है होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है वर्जित कर्म का, ऑप्शन नंबर बी है गोत्र बहिर्विवाह का, ऑप्शन नंबर सी जात संगोत्र विवाह के नियम का, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अगम्यगम वर्जन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोत्र बहिर्विवाह का। भारत में इस प्रथा के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वंश अथवा गोत्र समूह में विवाह करना अनुचित माना जाता है। एक्सागामी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग J.F. मैकलेलन ने जो है किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है कि जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, और इसका तर्क दिया गया है कि जनजाति समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसी को चूज करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है, क्योंकि जनजातीय समाज काफ़ी सरल होती है और वहाँ पर अनौपचारिक कानून लागू होता है, इसलिए जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि गोत्रगमन के नियम और विजाति विवाह सदैव एक ही हो जाते हैं, और इसका तर्क दिया गया है कि गोत्रगमन के नियम और विजाति विवाह की मनसा अवयस्क व्यक्तियों का संभोग करने से रोकने की होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए सत्य है, परंतु इसका जो तर्क आर दिया गया है यह जो है असत्य है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि गोत्र समानता बहिर्विवाही है, यह ब्राह्मणों और एवं जो है क्षत्रियों में प्रचलित है। गोत्र गमन के नियम और विजाति विवाह सदैव एक ही हो जाते हैं, परंतु ये दोनों जो है अवयस्क व्यक्तियों का संभोग करने से नहीं रोकते। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? पहले दिए गए हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है भावनात्मक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है मनोरंजनात्मक, चौथा है संरचनात्मक, और पांचवा दिया गया धार्मिक, और लास्ट है छठवां शैक्षिक। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैकाइवर, ऑप्शन नंबर बी आकबर निकाप, ऑप्शन नंबर सी है जी एच स्प्रॉट, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अर्नाल्ड ग्रीन। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगबर्न एवं निपकापने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगबर्ण एवं निपकापने परिवार को 6 भागों में बांटा है। स्नेह संबंधी यानी कि भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक कार्य, सुरचनात्मक यानी कि संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। आगबर्ण एवं निपकापने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवार कामोवेश पति तथा पत्नी के मध्य एक ऐसी स्थायी संबंध है जो संतान सहित भी हो जो जो है संतान सहित भी हो सकता है और संतान रहित भी हो सकता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी मैन ने, ऑप्शन नंबर ए बी किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन नंबर सी आर एम मैकाइवर ने, लास्ट ऑप्शन नंबर डी एच एम जॉनसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी मैन ने। हेनरी मैन के अनुसार ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या जो है की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, मात्र सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्नी अपने पति के घर में रहती है। मात्र सत्तात्मक परिवार में स्त्रियों की स्थिति सर्वोच्च होती है। वंश परंपरा माँ की ओर से चलती है। विवाह संबंध अस्थायी नहीं होते, अर्थात विवाह संबंध महिलाओं की सहमति से ही आगे चलते हैं। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिया जाता है। पत्नी अपने माँ के घर में रहती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इरावती कर्वे, ऑप्शन नंबर बी एस सी दुबे, ऑप्शन नंबर सी डी एन मजूमदार, लास्ट ऑप्शन नंबर डी के एम कपाड़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी एस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के एम कपाड़िया ने। ठीक है, जेएस घुरिया के बाद बंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर भार संभालने वाले के एम कपाड़िया की गणना जो है भारत के समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी में की जाती है। उनके शोध अध्ययन के प्रमुख विषय हिंदुओं के विवाह, परिवार और नातेदारी रहे हैं। के एम कपाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में भारतीय परिवार को संयुक्त परिवार जो है बतलाया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वेस्टर मार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ विवाह के प्रकार दिए गए, उन्हीं का हमें सही क्रम चुनाव करना है। पहला है बहुविवाह, दूसरा है समूह विवाह, तीसरा है स्वच्छंद संयोग और चौथा है एकल विवाह। यहाँ पे कूट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वच्छंद विवाह। उसके बाद आता है समूह विवाह, उसके बाद आता है बहुविवाह और लास्ट में आता है एकल विवाह। बेस्टर मार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों के साथ और एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिससे इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। उन्होंने विवाह का ऐतिहासिक क्रम निम्न प्रकार से बताया, जैसे कि पहले नंबर पर आता है स्वच्छंद संयोग, दूसरे नंबर पर समूह विवाह, तीसरे नंबर पर बहुविवाह और चौथे नंबर पर आता है एकल विवाह। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन दिया गया और इसका तर्क दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि क्योंकि हिंदू विवाह धार्मिक शपथ है और विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती है, और इसका तर्क दिया गया है कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर जो है सही। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अभिकथन में जो दिया गया कथन कि विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती, यह असत्य, क्योंकि समाज सुधार की प्रक्रिया के दौरान जो है विधवा पुनर्विवाह संभव हो पाया है तथा कारण में जो दिया गया है कि कानूनी आधार भी सत्य है, अतः अभिकथन ए जो है यह गलत है और इसका तर्क जो दिया गया है यह हमारा
सही है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी कथन ए दिया गया और तर्क आर दिया गया, और कथन ए कह रहा है कि विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगणता है, और इसका तर्क दिया गया है कि बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु इसका जो तर्क आर दिया गया है यह हमारा गलत है। यानी कि विवाह दो व्यक्तियों से नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रवणता है, किंतु तलाक इसमें जो है नकारात्मक कारण है। अतः जो यह क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है पितृसत्तात्मकता, दूसरा है अंतःविवाह, तीसरा है बहिर्विवाह, चौथा है मातृसत्तात्मकता। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो। केवल दो से तात्पर्य यह है कि यानी कि केवल अंतः विवाह। ठीक है, अंतः विवाह हिंदू जात की रीढ़ है, वे अपनी ही जात में विभिन्न प्रवरों गोत्रों में जो है विवाह संपन्न करवाते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए जैविकी पितृत्व, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक पितृत्व, तीसरा सी दिया गया रचयिता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैविकी पितृत्व। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ बालक का जैविकी पिता अथवा जनक कहलाता है। कई समाजों जैसे कि अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में जनक एवं पोषणकर्ता पिता में अंतर किया जाता है। दत्तकथा की प्रथा के कारण जन्म देने वाले पिता यानी कि जनक और सामाजिक पिता यानी कि दत्तक पिता में अंतर होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, फैमिली शब्द यह फैमलुअस शब्द से लिया गया है जो है, ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी रोमन, और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पैनिश। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट पूछा था, जिसका कई लोगों ने जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैटिन। बढ़ते हैं आज अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के हमारा लास्ट प्रश्न है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है गोत्र, ऑप्शन नंबर सी है नातेदारी, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संयुक्त परिवार। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें, और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।